भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में स्वच्छ जलीय कछुओं की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये नदियों, झीलों, तालाबों, नम भूमियों आदि में रहते हैं। लेकिन अधिकांश नदियां मनुष्यों द्वारा भारी मात्रा में कूड़ा, धार्मिक कचरा, सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्ट आदि डालने से प्रदूषित हो रही हैं, जिसे कछुए अपना भोजन समझ खा जाते हैं। दुर्भाग्यवश इन कछुओं को अवैध रूप से पकड़ा जा रहा है तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांस एवं पालने हेतु भेजा जा रहा है। स्थानीय शिकारियों द्वारा किए जा रहे अवैध शिकार एवं व्यापार से बचाए गए कछुओं की दशा अत्यंत अमानवीय एवं भयावह देखने को मिलती रहती है। भारत ने वर्ष 2018 में टर्टल सर्वाइवल अलायंस तथा वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के नेतृत्व एवं सहायता से इंडिया टर्टल प्रोग्राम के अंतर्गत केवल 4 माह में लगभग 9000 स्वस्थ जलीय कछुओं का उपचार कर इन्हें पुनर्वासित किया गया। इनकी ये संख्या तो मात्र कुछ ही है, शेष में से हजारों कछुए भारत के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में मांस के बाजार में पहुँच जाते हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से 6400 मुलायम कवच के कछुओं को तस्करी से बचाया गया। एक अध्ययन के अनुसार पिछले 10 वर्षों में लगभग 1,10,000 कछुओं को अवैध व्यापार में लाया गया। लगभग 100 मुलायम कवच के कछुओं को मारकर मात्र 1 किलो कैलोपी ही निकल पाता है। इन कछुओं में से शेष अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री हेतु पहुँच जाते हैं। आज हम अपने जीवन काल के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट यानी कोविड-19 महामारी की चपेट में है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस महामारी का उद्गम वन्य जीवों की मांस मंडियों से ही हुआ है। तस्करी के दौरान ये कछुए तनाव एवं बीमारी के कारण भारी मात्रा में वायरस से ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए भारत अभी भी इस महामारी के खतरे से जूझ रहा है। मांस के बाजारों में ये वन्य जीव मछलियों तथा मुर्गियों के साथ कसाईयों द्वारा बेचे जा रहे हैं, जिससे पशुजन्य बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हम शायद यह भी नहीं कह सकते हैं कि अब कोविड-19 इस प्रकार की अंतिम महामारी है। इंडियन टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम देश के विभिन्न राज्यों से लगातार निवेदन कर रही है कि भारत से ऐसे बाजारों को बंद किया जाए। कृपया इन वन्य जीवों को उनके प्राकृतवास में रहने दें तथा उनके अवैध व्यापार एवं उसके उपभोग के चक्र को समाप्त करने में आप हमारी मदद करें। आइए इस वीडियो को शेयर करके इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए।